अयोध्या जो अयुद्ध है, मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसका जिक्र इतिहास से लेकर वेद पुराणों में भी मिलता है। लेकिन क्या है अयोध्या और राम का इतिहास, राम राज्य से लेकर राम मंदिर तक क्या है पूरी कहानी, 7 एपिसोड की खास सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास में। दरअसल बौद्ध साहित्य के मुताबिक अयोध्या को भगवान बुद्ध के काल में विशाखा कहा जाता था और जो संपन्न शहर था, वहीं अथर्ववेद में अयोध्या को 9 द्वारों वाली देवों की पूरी बताया गया है। साथ ही ये भी पता चलता है कि इस काल में भी अयोध्या प्रसिद्ध थी। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सरयू के तट पर बनी अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी, मतलब करीब 5200 वर्ग किलोमीटर का एरिया। 1862-63 में पहली बार अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया, जिसमें धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले। वहीं इतिहासकार जॉन की अपनी किताब इंडिया अ हिस्ट्री में लिखते हैं, अयोध्या उस जगह बसाई गई जहां 2 ट्रेड रूट एक दूसरे को काटते थे, इसलिए अयोध्या काफी संपन्न थी। ब्रिटिश राज में कलेक्टर लाला सीताराम ने अपनी किताब अयोध्या अ हिस्ट्री में लिखा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अयोध्या कोशल जनपद की राजधानी थी। हालांकि कुछ जगहों पर अयोध्या को साकेत भी कहा गया है, जबकि प्रोफेसर रीस डेविड्स मानते हैं कि बौद्ध काल में अयोध्या और साकेत 2 अलग-अलग शहर थे। अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी भी रही है। माना जाता है कि यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश था। इसमें कुल 130 राजा हुए, जिसमें दशरथ 63वें और राम 64वें राजा हुए। वहीं राम अवतार की बात करें तो इसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है, जिसके मुताबिक राम विष्णु के अवतार थे। लेकिन इस अवतार के पीछे बड़ी वजह था रावण, जिसने कड़ी तपस्या कर भगवान शिव से अजेय होने का वरदान हासिल किया, फिर इंद्र और चंद्रमा तक को जीत लिया। देवताओं की इसी परेशानी का हल निकाला भगवान विष्णु ने। उन्होंने खुद अयोध्या में राम अवतार लिया, नंदी के रूप में हनुमान को भेजा, शेषनाग लक्ष्मण बने और सभी देवता वानर सेना का हिस्सा बने। तो ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अयोध्या की कहानी। राम जन्मभूमि का इतिहास के अगले एपिसोड में जानेंगे कि राम राज्य के बाद कैसे बदली अयोध्या और कैसे बनी बाबरी मस्जिद। अयोध्या और राम का नाता तो कई युगों से है, लेकिन राम और रामराज के बाद अयोध्या हर शासक के साथ बदलती गई। बौद्ध साहित्य के प्राचीन ग्रंथों में 16 महाजन पदों का जिक्र है। इनमें से एक कोसल था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 57 ईस्वी में यहाँ मंदिरों के रिनोवेशन का काम हुआ था। तब यहाँ कुषाण वंश के कनिष्क का राज था। अयोध्या पर गुप्त वंश के स्कंद गुप्त का राज 454 से 467 ईस्वी तक था। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला स्कंद गुप्त खुद को राम मानता था। उसने अपनी राजधानी साकेत बनाई और उसका नाम रखा अयोध्या। हैंस टी बेकर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या में कहते हैं कि विक्रमादित्य ने अयोध्या के कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या कई छोटे छोटे राजाओं की खींचतान में फंसी रही। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया और अयोध्या भी उसके अधीन आ गई। इसी साल अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक लगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेवाड़ में शिलालेख मिले हैं। इनमें लिखा है, साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में नवग्रह मंदिर बनवाया और 1245 में ठाकुर श्रीवास्तव ने
सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली की सत्ता बदली और मुगल शासन शुरू हुआ। 1932 में छपी अयोध्या हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं, बाबर 1528 में अवध आया। जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर उसने अपने सिपह सालार मीर बाकी को हुक्म दिया कि राम जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। 17 दिनों तक वहां हिंदुओं से लड़ने के बाद मीर बाकी मंदिर में घुसा, लेकिन मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। इसके बाद बाकी ने मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई, जिसका जिक्र मस्जिद की दीवार पर मिला। लेकिन कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में लिखते हैं कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई प्रमाण नहीं है। बाबर नामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी दस्तावेज में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का जिक्र नहीं मिलता है। इसके पीछे उनका तर्क है, बाबर नामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। 1784 में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आए फ्रांसिस बुकानन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे का काम सौंपा। इस दौरान उसने 1813-14 में अयोध्या का भी सर्वे किया और रिपोर्ट में मस्जिद का जिक्र करते हुए लिखा, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यह मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। बाद में इसी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा, लेकिन मंदिर टूटने का पहला जिक्र 47 साल पहले हुआ था, जिसे सन 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी टेफेन थैलर ने किया था। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने वाले टेफेन थैलर ने जो वृतांत लिखा है उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। यानी मंदिर टूटने या मस्जिद बनाए जाने पर इतिहास भी एक मत नहीं दिखता। लेकिन 1528 में बनी बाबरी मस्जिद कैसे बनी विवाद की वजह, पहली बार कब उठी चिंगारी, जानेंगे अयोध्या और राम पर खास सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास में। जुड़े रहिए। अयोध्या में पहली बार रामलला का मंदिर कब बना, इतिहास इस बात पर चुप है, मगर इसके टूटने से शुरू हुए विवाद ने भारत के इतिहास के लगभग हर पन्ने पर अपनी हाजिरी बनाए रखी है। 1528 में बनी बाबरी मस्जिद अयोध्या में विवाद की बड़ी वजह रही, जिसका पहला जिक्र 1838 में मिलता है, लेकिन दावे कई हैं। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम पहली बार 1855 में आमने सामने आए, वजह बाबरी मस्जिद नहीं हनुमानगढ़ी बनी। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल अपनी किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन में लिखते हैं, 1855 में कुछ मुस्लिमों ने हनुमानगढ़ी पर धावा बोला। उनका दावा था कि हनुमानगढ़ी को एक मस्जिद तोड़कर बनाया गया है, लेकिन अवध के नवाब ने जब जांच करवाई तो दावा खारिज हो गया। हालांकि इस घटना ने अयोध्या में चिंगारी छोड़ दी, जिसका असर दिखा 3 साल बाद नवंबर 1858 में, जब 25 निहंगों ने बाबरी ढांचे में घुसकर हवन पूजन किया, जिसके खिलाफ बाबरी मस्जिद के मुअज्जिन ने एफआईआर भी करवाई, जिसमें चबूतरे पर पूजा करने और मस्जिद की दीवार पर राम राम लिखने की बात भी सामने आई। राम मंदिर विवाद का यह पहला कानूनी दस्तावेज था। फिर साल 1859 में अंग्रेजों ने मामले को शांत करने की कोशिश की, राम चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बनाकर दोनों के रास्ते अलग कर दिए गए। इसके 26 साल बाद मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा।
निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने खुद को राम जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई और 17x21 फीट चौड़े चबूतरे पर मंदिर बनवाने की परमिशन मांगी। इस दौरान निर्मोही अखाड़े की याचिका 3 अलग-अलग कोर्ट से खारिज की गई। पहले जज पंडित हरिकिशन ने कहा कि इससे हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ेगा। फिर जिला जज कर्नल चैमियर ने मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया। उन्होंने अपने फैसले में कहा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं के लिए पवित्र था तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है, इसलिए अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तीसरी बार महंत रघुवर दास ज्यूडिशियल कमिश्नर W. यंग की अदालत में पहुंचे। यंग ने भी हिंदू आस्था को तरजीह दी, लेकिन जमीन पर निर्मोही अखाड़े के मालिकाना हक को पुख्ता नहीं माना। साल बदले, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा जस का तस रहा। फिर 1934 का साल, जब बकरीद के दिन ही विवाद बढ़ गया। मामला गौहत्या से जुड़ा था, जिसने हिंदू संगठनों को भड़का दिया। इतना कि बाबरी मस्जिद में भी तोड़फोड़ कर दी गई। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इसे रिपेयर कराया, लेकिन धीरे धीरे ये बात साफ हो रही थी कि राम मंदिर का मुद्दा अब थमने वाला नहीं। इस बीच 1936 में एक विवाद और हुआ। इस बार लड़ाई 2 मुस्लिम गुटों में थी, शिया और सुन्नी। मुद्दा था बाबरी मस्जिद के दावे का। फिर 1941 में जिला वक्फ कमिश्नर मजीद ने अपनी रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद को सुन्नी मस्जिद बताया, जिसके खिलाफ शिया वक्फ बोर्ड फैजाबाद सिविल कोर्ट पहुंचा। लेकिन यहां भी साल 1946 में उनका दावा खारिज कर दिया गया। देश जहां एक तरफ आजादी की ओर था, वही राम मंदिर का मसला भी तूल पकड़ रहा था। आजादी के बाद कैसे बदले हालात, जानेंगे अयोध्या और राम पर खास सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास में। जुड़े रहिए राम नाम और राजनीति। 1947 देश तो आजाद हुआ, लेकिन अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद की चिंगारी जोर पकड़ रही थी। ये वो दौर था जब पहली बार राम का नाम राजनीति में इस्तेमाल हुआ। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के आखिर में अयोध्या के अंदर वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई, जिसमें बाबरी ढांचे पर कब्जे का मुद्दा उठा और यहीं से अयोध्या में तनाव बढ़ने लगा। 1948 में प्रदेश की 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। फैजाबाद सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। नतीजा ये रहा कि फैजाबाद सीट से कांग्रेस को 1312 वोटों से जीत मिली और इस जीत ने अयोध्या में राम मंदिर मसले को फिर हवा दे दी। जुलाई 1949 में बाबा राघव दास ने यूपी सरकार को पत्र लिखकर मंदिर बनाने की परमिशन मांगी। फिर 23 दिसंबर 1949 को एक नए विवाद ने जन्म लिया। एक रात पहले यानी 22 दिसंबर को बाबरी ढांचे में भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि यही उनका जन्म स्थान है, और बाबरी ढांचे के पास पहुंचकर पूजा पाठ भी करने लगे। 23 दिसंबर की सुबह फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को घटना की जानकारी दी। फिर 3 दिन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने भी गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखा और कहा, अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है। जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद कोर्ट ने विवादित ढांचे को कुर्क कर लिया और परिसर के गेट पर ताला लगवा दिया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। 1950 से 1961 के बीच एक एक कर इस विवाद पर 4 मुकदमे दायर हुए।
3 याचिकाएं हिंदू पक्ष ने तो एक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लगाई थी। अगले करीब 16 साल विवाद कोर्ट में रहा, मगर राजनीति खामोश रही। 1977 में संघ परिवार ने मंदिर की मांग और तेजी से उठानी शुरू कर दी। 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति ने मंदिर के लिए पहली रथ यात्रा बिहार से अयोध्या तक निकाली। इरादा हिंदुओं को एकजुट करने का था, लेकिन जिस समय रथ दिल्ली पहुंचा, तभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, बाकी कार्यक्रम रद्द हो गए। राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बने। नई सरकार बनते ही राम मंदिर फिर चर्चा में आया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगली शिवरात्रि तक मस्जिद ढांचे का ताला न खुला तो तोड़ दिया जाएगा। इसे शाहबानो केस से और हवा मिली। राजीव सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगे। इसी बीच फैजाबाद जिला अदालत में फिर से राम जन्म स्थान में पूजा पाठ के लिए याचिका दायर हुई। जिला कोर्ट में मुकदमा खारिज हुआ, लेकिन ऊपरी अदालत में जिला प्रशासन ने गर्भगृह खोलने पर सहमति जता दी। 1986 में गर्भगृह का ताला खुला तो देश की राजनीति में भी भूचाल आ गया। राम का नाम और राजनीति ने कैसे बदली अयोध्या, जानेंगे अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए। साल 1990 से 2024 राम मंदिर विवाद का वो दौर जब राम मंदिर के नाम पर गोलियां चली, दंगे भड़के, राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ और रामलला कोर्ट भी पहुंचे। 80 के दशक में दो ऐसी घटनाएं भी हुई जिनसे राम मंदिर विवाद का रुख ही बदल गया। 1 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जज देविक नंदन अग्रवाल ने खुद को राम मित्र और रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर रामलला का दावा पेश किया। इसी साल नवंबर में कांग्रेस सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया तो भाजपा को मुद्दा मिल गया। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। 30 अक्टूबर को इसे अयोध्या पहुंचना था, मगर बिहार में रथ यात्रा को रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे अयोध्या में जमा कार सेवक उत्तेजित हो गए। 30 अक्टूबर को कुछ जत्थों ने विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश की। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के आदेश पर पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। 16 कार सेवक मारे गए। 1991 में यूपी की सत्ता में भाजपा आई। उधर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा राजनीति तेज हो रखी थी। कल्याण सिंह सरकार ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया और 42 एकड़ जमीन विश्व हिंदू परिषद को लीज पर दे दी। फिर 6 दिसंबर 1992 को वो घटना हुई जिसने अयोध्या की सूरत ही बदल दी। इस दिन के बारे में एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे, नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। कार सेवकों की भीड़ ने 6 घंटे के अंदर ही मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। इस घटना से देश भर में दंगे भड़क गए। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। आडवाणी, कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। ढांचा टूटने के बाद रामलला को एक टेंट में रखा गया था। अगले 27 साल वो टेंट में ही विराजे। ढांचा गिराने की सीबीआई ने जांच शुरू की। अदालतों में केस खींचता रहा और राम मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ता गया। मंदिर आंदोलन की चिंगारी को फिर 10 साल बाद हवा मिली। साल था 2002। गुजरात के गोधरा कांड ने देश में राम मंदिर की चर्चा तेज कर दी। इसी साल इलाहाबाद कोर्ट ने राम जन्म स्थान स्वामित्व विवाद में सुनवाई शुरू की। 2003 में कोर्ट ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक
खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को निर्मोही अखाड़े, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान में बांटने का फैसला सुनाया, लेकिन 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में आई, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी तेज हो गई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ जमीन पर रामलला विराजमान का अधिकार माना गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीनों में एक ट्रस्ट बनाकर जमीन उसे सौंपने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र और यूपी सरकार को ये निर्देश भी दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाए। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। निर्माण का पहला चरण पूरा होने के बाद अब आखिरकार वो समय आ गया जब 22 जनवरी को श्री रामलला मंदिर में विराजेंगे। राम मंदिर बनने की कहानी आपने पढ़ी, लेकिन इस कहानी को समझने के लिए जरूरी है विवाद के कानूनी पहलू को समझना। मंदिर विवाद की कानूनी यात्रा पर बात करेंगे राम जन्मभूमि का इतिहास के अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए। एक मंदिर, 3 तरह के केस और 134 साल की कानूनी लड़ाई। 1885 से 2019 तक राम मंदिर विवाद से जुड़े 3 तरह के मामले अदालत पहुंचे। पूजा या इबादत के अधिकार के मामले, राम जन्म स्थान के मालिकाना हक के दावे और बाबरी ढांचा गिराने का केस। विवाद के कानूनी पहलू की शुरुआत पूजा के अधिकार की मांग से हुई। पहली बार 1885 में महंत रघुवर दास ने बाबरी ढांचे पर बने राम चबूतरे पर पूजा की अनुमति मांगी। इसके बाद 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने भी पूजा करने की अनुमति मांगी थी, जो केस 2019 में निपटा। 1986 में वकील यूसी पांडे की पूजा की मांग पर ही गर्भगृह का ताला खुला था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी 1994 में इबादत के अधिकार पर याचिका दायर की थी। मंदिर विवाद से जुड़ा दूसरा पहलू है करीब 67.7 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक। इसी पहलू के निपटारे से विवाद का हल भी निकला। मालिकाना हक पर यूं तो कई याचिकाएं दायर हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 को ही वैध माना। पहली याचिका निर्मोही अखाड़े की थी। 1959 में दायर इस याचिका में पहली बार राम जन्म स्थान पर मालिकाना हक जताया गया। दूसरी याचिका जब 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मालिकाना हक जताते हुए कोर्ट पहुंचा। इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण थी 1989 में दायर हुई याचिका, जिसमें रामलला विराजमान को जमीन का मालिक बताया गया। हाईकोर्ट के पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने इस याचिका में रामलला को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए कहा, रामलला नाबालिग हैं, इसलिए उनकी तरफ से मैं बतौर राम मित्र याचिका दायर कर रहा हूं। इसी आधार पर 2019 में अदालत ने रामलला को ही जमीन का असली मालिक माना। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामित्व विवाद पर सुनवाई 2002 में शुरू हुई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इन 17 सालों में एक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा गया तो एक बार सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच का फैसला पलट दिया। दरअसल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान को एक एक हिस्सा दिया गया। फैसले से असहमत तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई खासी रोचक रही। पहले मामला 3 जजों की बेंच के पास गया। सुनवाई में देरी के चलते हिंदू पक्ष ने बड़ी बेंच की मांग की, लेकिन ये मांग 2018 में खारिज हो गई। लेकिन 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच का फैसला पलटते हुए 5 जजों की बेंच बना दी। जस्टिस यूयू ललित के बेंच से
अलग होने के बाद 5 जजों की एक नई बेंच बनाई गई। इस बेंच ने मामला निपटाने के लिए मध्यस्थता कमेटी भी बनाई, लेकिन ये फेल हो गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुई और 40 दिन में ही केस निपट गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राम मंदिर की कानूनी लड़ाई का तीसरा पहलू था बाबरी ढांचा केस। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी ढांचा गिराया था। इसके बाद दर्ज एफआईआर में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगे। मामले की जांच के लिए लिब्राहन आयोग भी बनाया गया था। 2009 में लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट आई तो इसमें भी ढांचा गिराए जाने को साजिश का नतीजा माना गया। जांच सीबीआई को सौंपी गई तो कई साल इसी बहस में बीत गए कि मामले के आरोपियों पर साजिश की धारा लग सकती है या नहीं। आखिर में 2017 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार 30 अगस्त 2022 को सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत इस केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो ये थी राम मंदिर विवाद की कानूनी यात्रा। राम जन्मभूमि का इतिहास के अगले एपिसोड में जानेंगे राम मंदिर विवाद की वजह से लाइम लाइट में रहे खास चेहरों के बारे में। जुड़े रहिए। लगभग 500 साल पुराने राम जन्मभूमि विवाद का सर अयोध्या ही नहीं देश भर में दिखा। हमें कई ऐसे किरदार मिले जो आज भी लोगों के जहन में हैं। पहले बात पूरे विवाद से जुड़े सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक चेहरों की। मीर बाकी, बाबर का सिपहसालार, जिसने 1528 में बाबरी मस्जिद बनवाई। ब्रिटिश सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन, जिन्होंने 1813-14 में अपनी रिपोर्ट में अयोध्या की मस्जिद को बाबरी मस्जिद बताया। इस पूरे विवाद से कई संतों का नाम भी जुड़ा रहा। मामले में पहली याचिका 1885 में महंत रघुबर दास ने दायर की थी। 1949 में जब बाबरी ढांचे में मूर्तियां प्रकट हुई तो महंत अभिराम दास का नाम पुलिस की एफआईआर से चर्चा में आया था। उस समय परमहंस रामचंद्र दास भी मंदिर की मांग को लेकर सक्रिय थे। महंत नृत्य गोपाल दास आंदोलन में कार सेवकों को जुटाने और उनके लिए साधन उपलब्ध कराने में आगे रहे। आज वे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। के नायर, 1949 में जब मूर्तियां प्रकट हुई तो वो फैजाबाद के जिलाधिकारी थे। इसके अलावा आजादी के बाद 1950 याचिका लगाने वालों में गोपाल सिंह विशारद पहले थे। चंपत राय, आरएसएस से जुड़े चंपत राय अभी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव और राम मंदिर निर्माण का प्रमुख चेहरा है। अब जानते हैं राम मंदिर से जुड़े राजनीतिक चेहरों को। राजीव गांधी, जिनके पीएम रहते 1986 में गर्भगृह का ताला खुला। मुलायम सिंह, जिनके आदेश पर 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई। 1992 में जब बाबरी ढांचा गिरा तो केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव और यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी। सत्ता के मुखिया रहे इन चेहरों के अलावा राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा निकालने वाले लाल कृष्ण आडवाणी इस विवाद का बड़ा चेहरा रहे। रथ यात्रा के लिए उनके सलाहकार थे प्रमोद महाजन। उनके अलावा भाजपा के मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सदस्य अशोक सिंघल भी मंदिर आंदोलन का अहम हिस्सा रहे। 90 के दशक में एकता यात्रा से लेकर रथ यात्रा और फिर 2019 में राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक फैसले तक मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आंदोलन से जुड़े रहे। वो चेहरे जो कानूनी लड़ाई से जुड़े थे, इसमें पहला नाम है डिस्ट्रिक्ट जज कर्नल एफईए चैमियर का, जिन्होंने 1886 में पहली बार माना कि मस्जिद हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनाई गई है तो ये गलत है। सीबीआई कोर्ट के रिटायर्ड जज एसके यादव, जिन्होंने 17 साल की सुनवाई के बाद बाबरी ढांचा ध्वंस केस में सभी 32 आरोपियों को बरी किया। सबसे अहम है मंदिर विवाद पर 2019 में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़,
जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल थे। सिर्फ ये 26 ही नहीं, राम मंदिर मामले से जुड़े किरदारों की लिस्ट लंबी है। आज बन रहे राम मंदिर के पीछे का संघर्ष इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है। अयोध्या और राम से जुड़ी खास सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास में इतना ही। मंदिर निर्माण से जुड़ी हर हलचल के लिए आप बने रहिए श्री राम लला। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में 22 जनवरी को विराजेंगे। इससे पहले लिए राम मंदिर के वर्चुअल दर्शन के लिए, ये अयोध्या में राम जन्मभूमि कैंपस है जिसके 8 एकड़ में राम मंदिर का परकोटा है। इसी के भीतर करीब 3 एकड़ में मुख्य मंदिर बन रहा है। ये है नागर शैली में बना श्री राम मंदिर। इसके शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर 3 मंजिला है, हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। जिस चबूतरे पर मुख्य मंदिर बन रहा है उसकी लंबाई 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट है। यह मंदिर का परकोटा है। इसमें 6 मंदिर और भी हैं, गणेश, सूर्य, शिव, भगवती, हनुमान और अन्नपूर्णा। परकोटे से होते हुए मुख्य मंदिर परिसर में प्रवेश के 4 रास्ते हैं। आइए अब मंदिर परिसर में चलते हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। हम पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए जय सियाराम और घंटा बजाइए। सामने श्री रामलला का मुख्य मंदिर दिख रहा है। इससे पहले पूरे मंदिर परिसर को देख लेते हैं। यह परकोटे का गलियारा है, 732 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। रामलला का परिक्रमा पथ भी है। अब मुख्य मंदिर में चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं सिंह द्वार पर। यहां से सीधा देखिए, आपको गर्भगृह के बाहर की झलक दिख रही होगी। इस मंदिर के सभी स्तंभ और आकृतियां राजस्थान से लाए गुलाबी पत्थर के बने हैं। भगवान का स्मरण करते हुए घंटा बजाइए। अब आगे बढ़ते हैं। सिंह द्वार से आगे 5 मंडप हैं। सबसे पहले नृत्य मंडप, ये भजन कीर्तन के लिए बनाया गया है। इसके आगे रंग मंडप से होते हुए आप गुड़ मंडप में पहुंचेंगे। गुड़ मंडप की बाई ओर कीर्तन मंडप बनाया गया है। गुड़ मंडप से दाई ओर देखिए, ये प्रार्थना मंडप है। श्रद्धालु गुड़ मंडप तक ही जा सकते हैं। इससे आगे गर्भगृह है जहां रामलला विराजेंगे। रामलला के कपाट अभी बंद है। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही गर्भगृह के कपाट खुल जाएंगे और रामलला दर्शन देंगे।